नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर आलिम के पास ना बैठना, उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें पांच चीजों से निकाल के पांच चीजों में दाखिल कर। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ ले आए, दूसरा वो तुम्हें रियाकारी से निकाल के इखलास के जुमरे में ले आए, और तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाहिश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखिरत में चीज़ें देने वाला है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दे। चौथे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें तकब्बुर से निकाल के आजजी की तरफ ले जाए, और पांचवा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले और खैरखाई की तरफ ले जाए, जिसके पास बैठने से अदावतें ना बढ़े बल्कि तुम्हारे दिल में खैरखाई का जज्बा। ये पांच चीज़ें खुद रसूल करीम ने बयान फरमाई।